बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हेल्प टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, सैमसंग मोबाइल किसी भी ओल्ड मॉडल जो भी होते हैं, पुराना मॉडल जैसे कि ये आप देख रहे हैं J5 मेरे हाथ में है, ठीक है। किसी भी मोबाइल का अगर कोई पैटर्न लॉक या पासवर्ड वगैरह कोई भी स्क्रीन लॉक अगर लग जाता है तो उसको आप बड़ी ही आसानी से जो है बिना किसी कंप्यूटर के कनेक्ट किए हुए मोबाइल को आप पासवर्ड या पिन कोड या पैटर्न लॉक को रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहले आपने मोबाइल को पावर ऑफ करना होगा दोस्तों। उसके बाद आपने वॉल्यूम ऊपर वाले वॉल्यूम को दबाना होगा, ठीक है, और पावर बटन को और इस होम बटन को, इन तीनों बटनों को एक साथ प्रेस करना होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपने पावर बटन छोड़ देना है, वॉल्यूम अप और होम बटन को दबा के रखना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा दोस्तों, उसके बाद कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने वॉल्यूम अप और पावर बटन को प्रेस करते रहना है जब तक ये रिकवरी मोड में नहीं आता, ठीक है दोस्तों। वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन ये तीनों बटन आपने दबाते रहना है, ठीक है, जब तक ये रिकवरी मोड में नहीं आ जाता। ये देखिए दोस्तों, ये रिकवरी मोड में आ चुका है, ठीक है, कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है, ये देखिए दोस्तों लिखा हुआ है वाइप डेटा फैक्ट्री रिसेट, ठीक है। तो यहाँ पर आके आपने पावर बटन को प्रेस करना है, ठीक है, और यहाँ पर आपने यस कर देना है वॉल्यूम डाउन की मदद से, ठीक है, नीचे करना है। यहाँ पर टच काम नहीं करता, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपने पावर बटन को आप जैसे ही दबाएंगे आपका मोबाइल जो है रीसेट हो जाएगा, तमाम आपके मोबाइल में एप्स वगैरह फाइलें जो भी है वो डिलीट हो जाएंगी और आपका पिन पासवर्ड या पैटर्न लॉक जो है वो ख़त्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपने यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है रिबूट सिस्टम नाउ, ठीक है, यहीं पर आपने पावर बटन को दबाना होगा। तो जैसे ही आप इसको पावर बटन को दबाएंगे मोबाइल ऑटोमेटिक जो है बंद होके स्टार्ट होगा, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पर दोस्तों स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लेगा, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर यह टाइम लेता है। आप ऐसा मत समझिएगा कि ये मोबाइल फ़ोन अब ख़राब हो चुका है या कोई फॉल्ट हो चुका है, नहीं दोस्तों, रीस्टोर मोबाइल होने के बाद स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है। बिल्कुल इसी तरह आपका मोबाइल भी दोस्तों रिबूट होगा, ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर आके आपका मोबाइल जो है रुक जाएगा, ठीक है। कोई मोबाइल 10 मिनट्स तक भी रुक जाता है, कोई मोबाइल 2 मिनट्स में चालू हो जाता है, ठीक है। इसका मैंने रीस्टोर थोड़ी देर पहले किया था, उसके बाद मैं इसको स्टार्ट कर चुका हूँ, नहीं तो इसने भी दोस्तों तकरीबन 6 मिनट्स लिए थे स्टार्ट होने में। तो फ्रेंड्स, यकीनन ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई, पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं, फ़िलहाल चाहता हूँ इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।